नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट आईआरजी, जो कि बहुजन समाज के बहुत बड़े चिंतक हैं और बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि भिक्षु हमेशा मुंडन क्यों करवाते हैं। देखिए मैडम, जो भिक्षु है, भिक्षु शब्द का अर्थ होता है, भिक्षु शब्द का अर्थ जो है बेगर नहीं है, भिखारी नहीं है। भिक्षु शब्द का पाली भाषा में अर्थ होता है कि जो इस देश के राजा थे, वो राजा से समाज कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए उन्होंने एक तरह से संन्यास ले लिया लोगों की सेवा करने के लिए। इसलिए जो बौद्ध भिक्षु होता है समाज से संबंधित होता है, उससे दूर नहीं भागता, जबकि हिंदू सन्यासी हमेशा समाज से बाहर भागता है। तो उन्होंने जो बौद्ध भिक्षु थे, वो जो अपना मुंडन करवाते थे, उसका एक मेन कारण ये है कि बुद्ध जटा के खिलाफ थे, चोटी के खिलाफ थे, बुद्ध अंधविश्वास के खिलाफ थे और सर में कीड़े पड़ जाते थे, बुरे हाल में बड़े बदसूरत लोग दिखते थे। तो बुद्ध ने कहा इन बाल वालों को काटिए, अंडमर हटाइए, चोटी को काटिए, चोटी रखने से कोई पंडित नहीं बनता। आपके सील गुण, आपके संस्कार बेवकूफ़ी के हैं, आप घृणित कार्य करते हो, चोटी रखने से आप कैसे ब्राह्मण बन सकते हो, आप कैसे श्रेष्ठ पुरुष बन सकते हो। तो बुद्ध ने बालों को कटवा दिया, चोटियों को बढ़ा दिया, बोले आप अपना बढ़ाना है तो सील को बढ़ाइए, सदाचार को बढ़ाइए, मानवता को बढ़ाइए, बालों को बढ़ाने से कोई भला नहीं होगा। इन बालों को काटने से एक तो मनुष्य की बुद्धि ज़्यादा तेज होती है, बीमारी कम पड़ती है, सिरों में जू कीड़े पड़ जाते हैं उनको बाल कटवाने से दूर करा जा सकता है। और कई ऐसे रोग हैं कि जो बॉडी और दिमाग को विटामिन डी सूर्य से मिलने के बाद भी उनका ज़्यादा विकास होता है, इसलिए उन्होंने बालों को कटवा दिया, चोटियों को कटवा दिया। और आज बौद्ध धर्म के अनुयायी चोटियों को से नफरत करते हैं, यज्ञ करने से नफरत करते हैं, यज्ञ करने से पॉल्यूशन बढ़ता है, देश में अशांति फैलती है और चोटी रखने से एक तरह से मूर्खता बढ़ती है, अज्ञानता बढ़ती है, इसलिए चोटी को जटा को बुद्ध ने कटवा दिया। और आज सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का, यज्ञ का अगर कोई विरोध करता था तो बौद्ध भिक्षु करते थे कि भाई आग जलाने से, धुआं जलाने से जो अपना जो नुकसान हो रहा है, ओजेन जो O3 ओजेन की परत कम होती जा रही है, इसलिए बुद्ध ने उन सभी आडम्बरों को मना करा। तो भिक्षु शब्द का अर्थ ये था कि जो मतलब समानता की बात करें, निस्वार्थता की बात करें, भाईचारे की बात करें और देश में मानवता में एकता स्थापित करने की बात करें। तो बालों को काटने के लिए बुद्ध ने कह दिया इनको हटाइए, आडम्बर को हटाइए और आदमी को सच्चाई से अवगत कराइए। इन कारण से बौद्ध भिक्षु अपना मंडन करवाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।